ओम शांति। हम प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों को रिवाइज करेंगे। ओरिजिनल डेट है आज की मुरली की 31 दिसंबर 1990। 31 दिसंबर मतलब ये है नए वर्ष के लिए बाबा की प्रेरणाएं। तो जैसे बाबा हमें कहते हैं ना कि संगम युग का तो हर सेकंड ही नया है, तो आज हम बाबा की मुरली में नवीनता की प्रेरणा लेंगे। हम सब बच्चे पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन क्या नवीनता लाएं? तो बाबा हमें आज नवीनता के लिए प्रेरित कर रहे हैं मुरली में। और आज की वाणी का सार है, तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। तपस्या, तपस्या शब्द जब सुनते हैं तो थोड़ी ऐसे त्याग वाली है ना, थोड़ी ऐसे स्ट्रिक्ट वाली फीलिंग आती है, लेकिन आज बाबा तपस्या की बहुत सुंदर परिभाषा हमें देते हैं। क्या है तपस्या? बाबा ने तो बताया ना, तपस्या अर्थात एक का बनना है ना, एकांतवासी बनना, एक रस स्थिति में स्थित होना, ये मन बुद्धि को एकाग्रता में बिठाना और इकोनॉमी में आना। और बाबा कहते ये जो एक बाबा के साथ हम एकाग्र चित, एकाग्र बुद्धि होकर, एकांतवासी होकर, एक रस स्थिति में मिलन मनाते हैं, ये क्या है? ये है बाप से मौज मनाना। ये तपस्या कोई वैसी बात नहीं है, ये तो है बाप से मौज मनाना। तो बाबा कहते तपस्या, दुनिया में हठ योगी जब तपस्या करते हैं तो उसको देखकर तो डर जाते हैं कि हाँ ऐसी तपस्या करनी पड़ेगी, कहते कड़ी तपस्या। लेकिन यहाँ कड़ी तपस्या नहीं है, ये तो मौज वाली तपस्या है। तपस्या अर्थात ही है बाप के साथ मौज मनाना। और बाबा कहते बड़े से बड़ा समारोह तपस्या ही है ना। समारोह अर्थात जश्न है ना, कोई कुछ मनाना होता है ना, कहते समारोह मना रहे हैं। तो सबसे बड़ा समारोह हो, सबसे बड़ा मनाना तपस्या का समारोह है। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व नई नॉलेज द्वारा हर समय नए जीवन, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि अनुभव करने वाले बच्चों को मोहब्बत की मुबारक दे रहे हैं। सुना? तो वैसे भी ब्राह्मण जीवन अर्थात नई जीवन और नई नॉलेज के आधार से जब नई वृत्ति बनी, नई दृष्टि बनी, नई सृष्टि बनी, नई जीवन बन गई है ना, तो बाबा ऐसे बच्चों को, क्योंकि नॉलेज भी धारण क्यों हुई, क्योंकि बाबा से मोहब्बत है, तो ऐसी मोहब्बत की मुबारक दे रहे हैं जिसने हमारे जीवन को ही नया बना दिया। इस समय चारों ओर के बच्चे है ना, सिर्फ जो सामने बैठे उनको बाबा नहीं देख रहे, चारों ओर के बच्चे अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृश्य को देख रहे हैं। हमें कोई, हम बच्चों को हमारी जो दिल है ना, क्योंकि बुद्धि दिव्य हो गई है, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री बाबा की संतान है, तो अपने दिल रूपी दूरदर्शन में भी ये मिलन का दिव्य दृश्य देख रहे हैं। सभी का एक ही संकल्प, दूर होते समीप अनुभव करने का।
बाप दादा भी सभी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते, सिर्फ आप ही नहीं देख रहे, दिल रूपी दूरदर्शन में हम भी देख रहे हैं। सभी के नए उमंग उत्साह के, दिल की मुबारकों के साज सुन रहे हैं। सिर्फ देख नहीं रहे, दिल से बाबा को जो मुबारकें दे रहे हैं बच्चे, वो साज वो आवाज़ भी बाप दादा तक पहुंच रही है। सभी के वैरायटी स्नेह भरे साज बहुत सुंदर हैं, इसीलिए सभी को साथ साथ रिटर्न रिस्पोंड कर रहे हैं, है ना। बाबा ने, बाबा तो कुछ रखता नहीं ना, तो बाबा ने देखा बच्चे मुझे देख रहे हैं, स्नेह भरे साज वैरायटी बच्चों के दिल में बच रहे हैं, तो बाबा भी चले आए, है ना, रिटर्न रिस्पोंड ऑफ लव देने। नए वर्ष की, नए उमंग उत्साह की, हर समय अपने में दिव्यता लाने की सदा की मुबारक हो। सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं, लेकिन अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चों प्रति संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है ना। तो बाबा कहते हैं, आज बाबा ने शुरुआत में ही कह दिया, मोहब्बत की मुबारक है। तो अविनाशी बाबा है, और बाबा कौन है? सागर है, निरंतर दाता है बाबा। तो ऐसे बच्चों, ऐसे बाबा से जिन बच्चों की अविनाशी प्रीत है, वो बच्चे जो हैं उनको तो हर घड़ी जीवन में नए नए खजाने मिलते रहते हैं। ये संगमयुगी जीवन तो प्राप्तियों की, अनुभवों की, गुणों की, शक्तियों की, ज्ञान की, खजानों से भरपूर है। तो बाबा कहते, तुम्हें तो, तुम बच्चों को संगम युग की हर घड़ी की नवीनता की मुबारक है। इसलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारक के हैं, है ना। मुबारक देते हैं तो गिफ्ट देते हैं ना, तो हमारी तो संगम युग की हर घड़ी प्राप्तियों से, खजानों से भरपूर है। तो हमारी मुबारक तो रुकती ही नहीं है ना, हर सेकेंड निरंतर मुबारकें मिल रही हैं। बाप दादा की विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, है ना। और दुनिया में तो जब मिलन मनाना होता है, जब कोई समारोह करते हैं, खुशी का दिन होता है, तो परिवार को इकट्ठा करते हैं ना। और यहाँ तो आप देखो, बाप दादा की मुबारक ऐसी है कि निरंतर हमारा ब्राह्मण परिवार वृद्धि को पाता चला जा रहा है। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयाँ हैं, है ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कोई मेहनत नहीं है, बस अविनाशी बाबा से अविनाशी संबंध जोड़ना है, और बधाइयों से पलते रहते हैं, बाबा की दुआओं में पलते रहते हैं। बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हो। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयाँ हैं, है ना। बाबा बच्चा, बच्चे को पिता क्या देता है? हर समय बधाइयाँ देता है। तो ऐसे अविनाशी बाप से अविनाशी स्नेह रखने वाले बच्चों के जीवन में सदा बधाइयाँ हैं। शिक्षक के रूप से हर समय शाबाश, शाबाश का बोल पासवे दोनर बना रहा है। एक एक कदम बाबा की शिक्षा पर हम आगे बढ़ाते हैं, तो बाबा जैसे हमारी पीठ थपथपाता रहता है, शाबाश शाबाश, है ना। दुनिया में तो लोग एप्रिसिएशन के लिए कैसे भूखे रहते हैं, और हम बच्चों को तो परम शिक्षक, सुप्रीम टीचर हर घड़ी शाबाश की बधाइयाँ देते हैं। बाबा कहते हैं,
सतगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। बाबा कहते श्रेष्ठ कर्मों की भी दुआएं मिल रही हैं, शिक्षा मानने की भी दुआएं मिल रही और बाप का बनने की भी बधाई मिल रही है, है ना। बनना, मानना और फिर कर्म में आना, तीनों की बधाइयाँ मिल रही हैं। श्रेष्ठ कर्मों की दुआओं से भी हम पल रहे हैं, इसीलिए पद्मा पद्म भाग्यवान हो। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। इससे बड़ा कोई भाग्य का दाता नहीं और इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं। भाग्य विधाता के बच्चे माना संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। लोग तो विशेष दिन पर विशेष मुबारक देते हैं और आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है क्या? क्या आज एक दिन की मुबारक नहीं, पहली तारीख से दूसरी तारीख हो जाएगी तो मुबारक भी ख़त्म हो जाएगी क्या? है ना, आजकल तो दुनिया में अगर पहली तारीख की जगह दूसरी तारीख पर किसी को मुबारक दे दे तो कहेंगे वो तो कल था ना, है ना, तो मुबारक ख़त्म हो जाती है। लेकिन बाबा की, बाबा का बनने की मुबारकें, संगमयुग की मुबारकें तो हर सेकंड है। आपके लिए हर समय हर घड़ी विशेष है। संगमयुग है ही विशेष युग, मुबारकों का युग। अमृत वेले हर रोज़ बाप से मुबारकें लेते हो ना, हाँ, बाबा से कितनी मुबारकें लेते हैं। बाप का बने हैं तो सर्व प्राप्तियों की, सर्व गुणों, सर्व शक्तियों की, सर्व अनुभवों की कितनी मुबारकें हम रोज़ लेते, इतनी गिफ्ट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन भरता ही जाता है बाबा। ये तो निमित्त मात्र दिन को मनाते हो, लेकिन सदा याद रखो कि हर घड़ी मौजों की घड़ी है। मौज ही मौज है ना, कोई पूछे आपके जीवन में क्या है तो क्या उत्तर देंगे? मौज ही मौज है ना। व्यक्ति तो समझता है, दुनिया वाले क्या समझते, इनके जीवन में कुछ नहीं है, सफ़ेद कपड़े हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं हमारे जीवन में मौज ही मौज है। सारे कल्प की मौजें इस जीवन में अनुभव करते हो, क्योंकि बाप से मिलन की मौजों का अनुभव सारे कल्प के राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराता है। क्योंकि बाबा से अभी मिलना माना आधे कल्प है ना, सारे कल्प में राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी, सत्युग त्रेता युग में तो खुद ही पूज्य स्वरूप होंगे और फिर द्वापर युग से पूजन भी होगा। तो बाबा कहते ऐसा ये जो अधिकार प्राप्त कराने वाला ये मिलन है, इसलिए इस मिलन की तो खूब मौजें हैं। तो बाबा कहते पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज दोनों का नॉलेज अभी है, इसलिए मौज अब है। जब हम देवता बनेंगे तो हमें राज्य का की नॉलेज नहीं होगी कि हम राजा हैं, है ना, उस समय तो देह अभिमान नहीं होगा ना, तो इसी समय सोचते हम विश्व महाराजन बनेंगे, विश्व महारानी बनेंगे, तो वो नशा भी इस समय अनुभव होता है। उस समय तो बस वो एक रोल की तरह होगा, उस समय कोई उसकी मौज अनुभव नहीं करेंगे। और जब हमारा पूजन होगा तब तो मूर्तियों का पूजन होगा, हमारे उस स्वरूप का पूजन होगा, लेकिन हम तो अपने पूजन को उस समय जान नहीं पाएंगे। लेकिन इस समय ये नॉलेज है कि आधा कल्प है ना, हम महाराजन महारानी बनेंगे और सारे ही कल्प कम से कम राजा रानी तो बन सकते हैं, और प्लस पूज्य पने की भी इस समय हमें नॉलेज है कि कैसे हम पूज्य देवताएं बनेंगे,
और फिर द्वापर युग से हमारा पूजन होगा। तो बाबा कहते हैं ये सारी नॉलेज के आधार से मौज अभी है, जब वो पाठ बजाएंगे तब नॉलेज नहीं होगी। तो अब बाबा कहते हैं इस वर्ष क्या करेंगे। अब बाबा आते हैं, हाँ हमें लक्ष्य देते हैं। तो इस वर्ष अब क्या करना है, नवीनता करेंगे ना, जरूर कुछ ना कुछ नवीनता लाते रहना चाहिए। इस वर्ष को समारोह वर्ष मनाना, बाबा कहते हैं इस वर्ष समारोह मनाना। तो अब समारोह मन वर्ष सुनकर क्या लगता है कि कोई बड़े प्रोग्राम करेंगे, मेले करेंगे, है ना। सोच रहे हो तपस्या करनी है या समारोह मनाना है, है ना। तपस्या समझते हैं, तपस्या तो तपस्या है, और समारोह अर्थात सेवा के प्रोग्राम, मेले, इसी को ही समारोह समझते हैं। अब बाबा सुनो क्या कहते हैं, तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है, क्योंकि हठयोग तो करना नहीं है ना, तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। तो ये भी तपस्या का समारोह हो गया, मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, तपस्या में ये सब समाई हुई है, समान स्थिति की मौज। सुन लिया। तो ये समारोह हुआ ना, सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज़्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। सेवा के प्रोग्राम नहीं भी करेंगे तो भी तपस्या से जो योगाग्नि प्रज्वलित होगी, उससे जितनी आत्माएं वाणी की सेवा से आकर्षित होकर आती हैं ना, उससे भी ज़्यादा इस योग अग्नि की जो लाइट है, माइट है, उससे आकर्षित होकर आएंगी। तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से ही अनुभव होगा ना। ऐसा जहाँ तपस्या होती है वो स्थान ऐसा चुंबकीय हो जाता है कि दूर से ही आत्मा को ऐसा लगता है इस स्थान से हमें शांति की, शक्ति की वाइब्रेशन आ रही है। तो अपने में क्या नवीनता लाएंगे, नवीनता ही सबको प्रिय लगती है ना। तो आज बाबा कहते कि क्या ऐसी नवीनता लाएं जिससे हमारी जो तपस्या की स्थिति है वो और भी प्रत्यक्ष हो जाए। तो बाबा कहते तो सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाई। अब बाबा एक एक जीवन के अंग में नवीनता को धारण करने की हमें प्रेरणा दे रहे हैं। संकल्पों में क्या चेक करो कि आज मेरे संकल्पों में मैंने क्या नवीनता लाई। एक तो अपने संकल्पों में, स्वपुरुषार्थ के संकल्पों में क्या नए संकल्प, क्या नवीनता मैंने लाई, और दूसरा अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना की विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया। तो मनसा संकल्प से अपनी स्थिति में क्या उन्नति की, और दूसरों के प्रति जो मनसा संकल्प चलते हैं उनमें शुभ भावना, शुभ कामना के आधार से उस उन आत्माओं की सेवा में क्या वृद्धि की, अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई। क्योंकि जितना हमारे अन्यों के प्रति
श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं उतना उन आत्माओं की सेवा होती है, और स्व के प्रति जो श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं उससे स्व उन्नति होती है। तो संकल्पों की नवीनता को चेक करो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो इसे, है ना। सिर्फ वही कुछ रटे रटाए संकल्प सुमान नहीं, संकल्पों में क्या नवीनता लाए, ऐसे कौन से श्रेष्ठ संकल्प स्व प्रति या अन्य प्रति रखे जिससे उन्नति हो सेवा में भी और स्वस्थिति में भी। साथ साथ बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता कितनी लाई। मेरे बोल जो है, देखो कितनी सुंदर बातें बाबा तीन क्वालिफिकेशन बोल के सुना रहे हैं। हमारे बोल में क्या हो, मधुरता हो, संतुष्टता हो, जीवन की संतुष्टता की धारणा की झलक हमारे बोल में दिखाई दे, किसी भी आत्मा को हमारी वाणी से संतुष्टता की महक, हमारी वाणी से संतुष्टता का अनुभव हो कि तृप्त आत्मा है, मधुरता की वाइब्रेशन और सरलता, जितना सरल चित्त होंगे उतना वाणी भी सरल होगी, ऐसा नहीं लगेगा ये कह कुछ रहे हैं और कहना कुछ चाहते हैं, लेकिन सरल वाणी, ऐसा लगेगा कि दिल से कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं स्पष्ट कह रहे हैं। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते, बोल में इन तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति हो, है ना, ये तीनों ही बातें, स्वयं को भी अनुभव हो और अन्यों को भी, इसको कहा जाएगा नवीनता। तो सुन लिया, संकल्पों में श्रेष्ठता की नवीनता, वाणी में मधुरता, सरलता और संतुष्टता की नवीनता, साथ में हर कर्म में भी नवीनता, अर्थात हर कर्म स्व के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा, किसी भी कर्म से, छोटा कर्म भी हो, उस कर्म में स्व को भी ऐसा लगे कि मुझे कुछ मिला और अन्य आत्माओं को भी लगे कि इनके साथ, है ना, इन्होंने जो कर्म किया उससे हमें भी कुछ मिला। कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव हो, क्योंकि जब अन्यों को प्राप्ति होती है तो हमारा जमा होता है, और स्व को प्राप्ति होती है, खुशी मिलती है या शक्ति का अनुभव होता है, तो प्रत्यक्ष फल की तरह ताकत देता है ना। फ्रेश फ्रूट क्या होता है ना, ताकत देता है इंस्टेंट, और जो वैसे फ्रूट हुआ भविष्य का, है ना, ड्राई फ्रूट भी रखते हैं तो भविष्य में ताकत देगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे हर कर्म जब करते हैं तो अभी अभी भी आत्मा को खुशी का, शक्ति का अनुभव हो, और अन्यों को भी वो कर्म जो प्राप्ति का अनुभव करा रहा है उसके आधार से भविष्य का भी हमारा जमा हो जाए। आज विचार करना, ऐसे कौन से कर्म हैं, वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति हो और भविष्य जमा का अनुभव हो, तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे, है ना। जिसका अभी भी कमाई अच्छी है और सेविंग भी अच्छी हो रही है उसको कभी धन की टेंशन नहीं होती, ऐसे ही ऐसा अनुभव होगा आत्मा को कि मेरी भविष्य सिक्योर है, भय चिंता जैसी बातें उस आत्मा को फील नहीं होंगी जो आत्मा अपने कर्मों से प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल दोनों का अनुभव कर रही है। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, स्व को भी खूब प्राप्ति का अनुभव हो हर कर्म में,
सूक्ष्म रूहानी प्राप्ति और अन्यों को भी हो, खाली नहीं हो। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है ना, नेचुरल नशा रहता है। जैसे दुनिया में भी जो कर्म कॉन्शियस होते हैं, वर्कहोलिक्स होते हैं, उनको अपने काम का, पद का बहुत नशा होता है। और ऐसे जो रूहानी श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा होती है ना, उसको सदा अलौकिक नशा रहता है। तो ऐसे नवीनता के कर्म किए, साथ में संबंध संपर्क, इसमें क्या नवीनता लानी है। संबंध संपर्क में भी सारे दिन आत्माओं के आते हैं, या प्रकृति के संबंध संपर्क में आते हैं, इस देह के संबंध संपर्क में रहते हैं, तो फिर इसमें क्या नवीनता लानी है। तो इस वर्ष दाता के बच्चे, मास्टर दाता, इस स्मृति स्वरूप में अनुभव करो, अपना स्वमान पक्का कर लो, मैं मास्टर दाता हूँ। कोई भी आत्मा या प्रकृति के तत्व मेरे संपर्क में सदा कुछ प्राप्त करे, चाहे ब्राह्मण आत्मा हो चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आओ, उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो, चाहे हिम्मत मिले, चाहे उमंग उत्साह मिले, चाहे शांति व शक्ति मिले, सहज विधि मिले, है ना, किसी को समझ आ गया, इतनी सहज विधि से बाबा को याद कर सकते हैं, खुशी मिले, कुछ भी, लेकिन मास्टर दाता से कुछ मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो। हर एक को कुछ ना कुछ देना है, लेना नहीं है, देना है, है ना। संकल्प ही हो कि मुझसे कोई मिले तो उसको कुछ मिले, मुझे कुछ मिले वो मनसा ना हो। अब देने में लेना तो समाया ही हुआ है, दाता को तो स्वतः ही परमात्मा दुआओं की भी प्राप्ति होती है और कर्मों द्वारा भविष्य फल भी निश्चित हो ही जाता है। लेकिन मुझ आत्मा को मास्टर दाता बनना है। मिलेगा वो तो कर्म के सिद्धांत अनुसार निश्चित ही है, लेकिन मुझे बनना दाता है। इसी प्रमाण है ना, आप समझ लिया, संकल्प की नवीनता, बोल की, कर्म की, संबंध संपर्क की। अब आते हैं स्वभाव संस्कार पर। तो बाबा कहते इसी प्रमाण अपने स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता लानी है। मेरा स्वभाव संस्कार कैसा हो? बाप समान हो। मेरा स्वभाव नहीं, जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। मेरे स्वभाव जैसा कोई चीज ही नहीं, जो बाप का स्वभाव वो मेरा स्वभाव। दादियों को देखा ना, जैसा बाबा का स्वभाव वैसा दादियों का, ऐसा बनना है, ये नवीनता लानी है। जो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार, ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए नए संसार की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी, है ना। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, लेकिन सिर्फ संस्कार से नहीं, नए संकल्प, नए बोल, नए कर्म, नए संबंध संपर्क और नया स्वभाव संस्कार खुद का बनाते हैं तो नया संसार स्वतः ही बनता जाता है। तो समझा नए वर्ष में क्या करेंगे। जो बीत चुका तो बीते वर्ष का समाप्ति समारोह मनाना और वर्तमान की समानता और समीपता का समारोह मनाना, है ना। बाबा कहते जो बीत गया ना उसका समाप्ति समारोह मना दो, फुल स्टॉप लगा दो। और वर्तमान में कौन सा समारोह मनाना है? समीपता और समानता का। बाबा समान, बाप के समीप रहने वाले कर्म,
और इससे क्या होगा, भविष्य का सदा सफलता का समारोह बन जाएगा, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य का आधार है। वर्तमान समानता समीपता का समारोह मनाएंगे तो भविष्य सफलता का समारोह आप पे ही मन जाएगा। समारोह वर्ष मनाते उड़ते रहना। तो ये जो तपस्या है, अटेंशन अपने जीवन के हर अंग पर, उसमें नवीनता लाना, यही तपस्या, यही समारोह जो है, तपस्या का समारोह नए वर्ष नए युग का उद्घाटन कर देगा। डबल विदेशी मौजों में रहना पसंद करते हैं ना, है ना, कहते हैं विदेश में बहुत एंटरटेनमेंट है ना, लाइफ में एंजॉयमेंट पे बहुत ध्यान देते हैं। तो मौजों के लिए दो बोल याद रखना। अब बाबा कहते हैं शरीर के रूप से तो व्यक्ति मौज मना लेता है, लेकिन आत्मा सदा मौज में रहे उसके लिए दो बातों पर अटेंशन, एक डॉट और दूसरा नॉट। डॉट पर अटेंशन तो देते ही हैं, बिंदी बन बिंदी बाबा की याद में रहना और फुल स्टॉप लगाना ड्रामा की सीन को, है ना, ये तो करते ही हैं। अब दूसरा नॉट, नॉट किसको करना है ये तो जानते हो ना, माया को नॉट अलाओ, है ना, सिर्फ डॉट बनेंगे और माया भी, माया का दरवाज़ा भी खुला रखेंगे तो बहुत मुश्किल। तो माया को नॉट अलाओ, नॉट करना आता है, हाँ, माया का दरवाज़ा बंद करना आता है कि थोड़ा थोड़ा अलाव करेंगे। दुनिया में भी कहते हैं ना, हमें ना ना कहना नहीं आता, हमसे ना नहीं कहा जाता, लेकिन बाबा कहते नॉट तो बहुत ज़रूरी है। अगर माया को नॉट करना नहीं आता तो डॉट कैसे बनेंगे, डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा, है ना। तो बाबा कहते एकदम ऐसे डॉट बनकर और अपने जो बाकी जो इंद्रियों की खिड़कियां हैं उसे बंद कर दो, सारी तरफ से लॉक लगा दो, तो नॉट आप पे ही हो जाएगा। डबल नशा है ना। भारतवासी क्या करेंगे, विदेशियों को तो बाबा ने ये मौज सिखा दी, भारतवासी क्या करेंगे, भारत महान देश है ये आजकल का स्लोगन है, दुनिया में भी कहते हैं, और भारत की ही महान आत्माएं महात्माएं गाई हुई हैं। तो भारत महान अर्थात भारतवासी महान आत्माएं, तो हर समय अपनी महानता से भारत महान आत्माओं का स्थान, देव आत्माओं का स्थान साकार रूप में बनाएंगे। याद रखो, हमें ही भारत की उच्चता महानता को पुनः स्थापित करना है, तो अपनी महानता से भारत को महान देश बनाना है। फिर चित्र समाप्त होकर चैतन्य देवात्माओं का स्थान सभी को दिखाएंगे। देवताओं के चित्र तो सबने देखे हैं, अब हमें अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर अपनी महानता को पुनर्जागृत कर कर इस भारत को पुनर्चैतन्य देवालय बनाना है। तो डबल विदेशी और भारत निवासी नहीं, लेकिन दोनों ही अभी मधुबन निवासी हो। फिर बाबा कहते ये भी भूल जाओ, भारतवासी हैं, डबल विदेशी हैं, मधुबन निवासी हो। अच्छा, पिछली बार भी बाबा ने बताया था ना, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, मधुबन, और आपका परमानेंट ऑक्यूपेशन क्या है, विश्व सेवाधारी, ना भूलना नहीं। अब पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है, चार पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, पहली पॉइंट, बाबा कहते अचल अडोल आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो, अनुभव करते हो कि मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। हर एक तरफ है हलचल और दूसरी तरफ आप ब्राह्मण आत्माएं सदा अचल हैं। दुनिया में जैसे हलचल निरंतर है,
ऐसे हमारी अचल स्थिति भी निरंतर होनी चाहिए। जितनी वहाँ हलचल है उतनी आपके अंदर अचल अडोल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितना रावण का फोर्स बढ़ रहा है उतना बाबा की भी शक्तियाँ हम बच्चों को मिलती जा रही हैं। कुछ भी हो जाए, सबसे सहज युक्ति है नथिंग न्यू। हलचल में अचल का स्विच कैसे दबाएं? जैसे स्विच दबाने से लाइट आ जाती है ना, ऐसे हलचल में भी अचल स्थिति में स्थित होने के लिए कौन सा स्विच दबाएं? नथिंग न्यू। हर कल्प होता है और इसके बाद भी हर कल्प हम विजयी बनते ही हैं, तो नथिंग न्यू, सारी हलचल खत्म, अचल स्थिति में स्थित हो जाएंगे। कोई नई बात नहीं है। दादी को ना, गुलजार दादी जी को कोई भी बात पूछने जाते थे ना, तो दादी पहले यही कहती थी, नथिंग न्यू। कभी आश्चर्य लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्या होगा? आश्चर्य तब हो जब नई बात हो, है ना? आश्चर्य कब होता है? जब नई बात होती है। लेकिन हमें तो स्मृति के आधार से मालूम है कि कोई नई बात नहीं है, हर कल्प ये बात आई है और हमने पार किया है। कोई भी बात सोची नहीं हो, सुनी नहीं हो, समझी नहीं हो और अचानक होती है तो आश्चर्य लगता है। तो आश्चर्य नहीं, लेकिन फुल स्टॉप हो, फुल स्टॉप। कोई भी बात सामने आती है, अचानक कोई बात आ जाती है, तो उस समय पर नथिंग न्यू और फुल स्टॉप लगाना है। क्या? क्योंकि प्रश्नों को, है ना, फुल स्टॉप के दरवाजे से बंद कर देना है। दुनिया मूंझने वाली है और आप मौज में रहने वाले हो। कोई बात आ गई तो भी मेरी मौजों की स्थिति भंग ना हो, मैं बाबा के साथ मौज मनाते, बाबा के साथ साथ उस बात को पार कर लो, लेकिन मौज मनाते हुए। ऐसा नहीं मैं मूंझूं और बाबा को भी साथ में सोचूं कि बाबा भी मेरे साथ मूंझ रहा है, नहीं, मैं मौज मनाते हुए, है ना, उस स्थिति को पार कर लूं। दुनिया वाले छोटी छोटी बात में मूंझेंगे, क्या करें, कैसे करें, ये बात हो गई, ये शुरू किया था, फिर इसमें ये बात आ गई, फिर वो किया तो वो बात आ गई, ऐसे छोटी छोटी बातों में मूंझने का ही काम करते हैं दुनिया वाले। तो बाबा कहते हैं क्या करें, कैसे करें, और आप सदा मौज में हो, मूंझना खत्म हो गया। ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूंझना, है ना, थोड़ा क्या क्यों करके फिर बाबा बाबा करने लगते हैं, वो क्षत्रिय की निशानी है। लेकिन कोई भी बात आई, एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाना, ये है ब्राह्मण की निशानी। कभी मौज कभी मूंज, आप सभी अपना नाम भी कहते हो, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। क्षत्रिय कुमार और क्षत्रिय कुमारी तो नहीं हो ना, तो ये वाले संस्कार भी आप खत्म कर देने हैं। सदा अपने भाग्य की खुशी में रहने वाले हो। हमारा भाग्य निश्चित है, इस निश्चित भाग्य के निश्चय से निश्चिंत रहने वाले हो। कभी कोई भी बात आ जाती है तो हमारे निश्चिंत स्थिति हिलेना, मौजों की स्थिति हिलेना, क्योंकि हमारी भविष्य निश्चित है, हमारा भाग्य निश्चित है, इस पर संपूर्ण निश्चय है। कोई बात आ गई तो क्या हो गया, बात आई है तो पार हो जाएगी, सफलता तो होगी ही। दिल में सदा स्वतः एक गीत बजता रहता, वाह बाबा और वाह मेरा भाग्य, है ना। सिर्फ गीत नहीं, लेकिन उस गीत का जो स्वर है वो हमारे जीवन में दिखाई दे, हमारी स्थिति में दिखाई दे। वाह वाह के गीत गाने वालों का चेहरा कैसा होगा, है ना।
तो बाबा कहते ये गीत बजता रहता है, इसको बजाने की आवश्यकता नहीं है, ये अनादि बजता ही रहता है। हाय हाय खत्म हो गई, जैसे दुनिया के अंदर हाय हाय का गीत स्वतः बजता रहता है ना, ऐसे हमारे अंदर अभी वाह वाह के गीत बजते हैं। हाय हाय करने वाले तो बहुत मेजोरिटी हैं और वाह वाह करने वाले बहुत थोड़े हैं। तो नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? वाह वाह, वाह मेरा बाबा और वाह मेरा भाग्य। जो सामने देखा, जो सुना, जो बोला, सब वाह वाह। हाय हाय नहीं, सब वाह वाह। जो भी जैसा भी सीन है, वाह वाह है। ऐसा कर सकते हैं हाँ बाबा, देखो आज कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। बाबा कहते हाय ये क्या हो गया, नहीं वाह ये बहुत अच्छा हुआ, कुछ भी हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, है ना। बाबा कहते कि एक मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर कहा था कि टांग टूट गई, इसमें क्या अच्छा हुआ, है ना। पूछेंगे तो टांग टूट गई तो बहुत अच्छा है कि अभी आराम से ना बाबा की याद में बैठेंगे। तो ये सारी बातें समझने की हैं। वाह वाह, वाह वाह क्यों है? जैसे ही बुद्धि को ज्ञान स्वरूप बनाकर देखेंगे ना, तो वाह वाह क्यों है नज़र आ जाएगा। कोई बुरा भी करे, लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो। कैसे? बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज बाबा दे रहे हैं, यही है परिवर्तन शक्ति। अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं है। बाबा की छत्र छाया में कभी बुरा हो सकता है? नहीं। चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाले की जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया। सुना, कोई गाली देता है तो वाह वाह कैसे कहें कि आपकी बलिहारी है जो सहन शक्ति का हमने पाठ पढ़ा, आप ना आते तो हम सहना कैसे सीखते, है ना। बलिहारी तो हुई ना, जो मास्टर बन गया आपका, है ना। देखने में तो गाली देने वाला है, लेकिन कितना बड़ा पाठ उसने पढ़ा दिया, तो मास्टर बन गया। मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है, तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ? हाँ बताओ भाई अब। हाँ कहते परिवर्तन कैसे करें, बाबा ने इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया। ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा होता ही नहीं, ना ब्राह्मण की जीवन में बुरा होता, ना दृष्टि में। ब्राह्मणों के कानों में बुराई सुनाई देती ही नहीं, इसलिए तो ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। ऐसे कमल पुष्प समान है ना कान है हाँ कर्ण कमल है कि कुछ बुरा सुनता ही नहीं, कुछ है ना नैन कमल है कुछ बुरा दिखता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं अभी अभी बुरा, अभी अभी अच्छा, तो मौज नहीं हो सकेगी, सदा मौज ही मौज। सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार और कुमारी श्रेष्ठ है, तो ऐसे श्रेष्ठ जीवन में तो मौज ही मौज है। देव आत्माएं भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं है, उनके पास कोई ज्ञान का खजाना नहीं होगा, परमात्मा मिलन के सुखों का अनुभव नहीं होगा, है ना, परमात्मा मिलन की अनुभूतियों का रस नहीं होगा, हाँ बाकी वस्तुओं वैभवों का सुख होगा। सदा इस नशे में रहो, सदा खुश रहो और दूसरों को भी सदा खुश रखो, है ना। बाहरे मेरा ये ब्राह्मण जन्म सदा नशा रहे, रहो भी और रखो भी, है ना। मैं तो खुश रहता हूँ ये नहीं, मैं सबको खुश रखता भी हूँ, है ना, कि सब खुश रहेंगे तभी तो खुश होंगे ना। चारों तरफ बदबू हो, एक फूल हो, अच्छा थोड़ी लगता है। हाँ फूलों का बगीचा हो तो कितना सुंदर लगता है। तो स्वयं को भी खुश रहना है, अन्यों को भी खुश करना है। मैं तो खुश रहता हूँ ये भी स्वार्थ है, ब्राह्मणों की सेवा क्या है? ज्ञान देते ही हो खुशी के लिए, है ना। ज्ञान का भी लक्ष्य समझो, ज्ञान क्यों देते हैं? आत्मा को अपनी सुख स्वरूप का अनुभव हो जाए। दूसरी पॉइंट, विश्व में जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं गाई जाती हैं उनसे आप कितने श्रेष्ठ हो, कितने
हम आत्माएं, धर्मात्माएं, राजसत्ता वाले श्रेष्ठ कोई भी, उनसे भी आप कितने श्रेष्ठ हो, क्यों? वो भी देवताओं के पुजारी तो होते हैं ना। बाप आपका बन गया है ना, और वो जिस बाप को पूज रहे हैं, मांग रहे हैं, वो बाप हमारा बन गया। तो आप कितने श्रेष्ठ बन गए, सर्वश्रेष्ठ हो गए। सदैव ये स्मृति रखो, ऊंचे ते ऊंचे बाप ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना दिया है ना। बाप के बने भी हैं और देवात्मा बन रहे हैं, इसीलिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। दृष्टि कितनी ऊंची हो गई, वृत्ति कितनी ऊंची हो गई, स्व के प्रति भी सब बदल गया। आप किसी को देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। जब हमारी स्व के प्रति दृष्टि बदल गई तो हमें समझ आ गया कि हमें क्या शोभा देता है, अन्यों को किस रूप से देखना हमें शोभा देता है। तो अब किसी के अवगुण देखना, किसी की देह देखना, ये देह अभिमान की दृष्टि रखना, ये हमारी रॉयल्टी नहीं है। अब सबको देखने की भी दृष्टि बदल गई और सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति हो गई। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर आत्मा के प्रति दृष्टि और वृत्ति श्रेष्ठ बन गई है ना। तीसरी पॉइंट, अपने आप को सफलता के सितारे हैं ऐसे अनुभव करते हो। मैं आत्मा सफलता का सितारा हूँ। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि जो भी चैलेंजेस आते हैं उनमें अचल अडोल रहेंगे तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। और अचल अडोल रहेंगे कैसे? जब सर्व शक्तियाँ हैं और सर्व शक्तियाँ समय पर काम कर रही हैं। कोई भी कार्य करते हो, चाहे शरीर निर्वार्थ हो चाहे ईश्वरीय सेवार्थ हो, कार्य में कार्य करने से पहले ये निश्चय रखो, करने से पहले ही निश्चय रखो कि ये कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय संतान और सफलता एक साथ है। निश्चय रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभवी आत्मा बन निश्चय और नशे में रहो। अनुभवी आत्मा मतलब ऐसा नहीं है कि ये सोचो मैजिकल थिंकिंग है ना कि कोई चैलेंज ही नहीं आएगा। नहीं, चैलेंज तो आएंगे, लेकिन उनके बाद भी मैं आत्मा अपने सर्व शक्तियों की एप्लीकेशन से उस चैलेंज को पार कर सफलता स्वरूप बनूंगी। सर्व शक्तियाँ इस ब्राह्मण जीवन में सफलता के सहज साधन है ना। तो चैलेंज तो आएंगे, लेकिन क्योंकि मेरे पास सर्व शक्तियाँ हैं तो वो साधन है कि मुझे सफलता मिलेगी ही। सर्व शक्तियों के मालिक हो, इसलिए किसी भी शक्ति को जिस समय ऑर्डर करो उस समय हाजिर हो जाए। जैसे कोई सेवाधारी होते हैं ना, सेवाधारी को जिस समय ऑर्डर करते हैं तो सेवा के लिए तैयार होता है। ऐसे सर्व शक्तियाँ आपके ऑर्डर में हो। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे, अब ये जो सर्वशक्तियाँ हमारे लिए हाजिर हो, इसका भी कनेक्शन किससे है? अपनी स्मृति से। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ये स्मृति की सीट पर जितना अच्छा सेट है उतना सर्वशक्तियाँ ऑर्डर मानेंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी सीट पर होता है तो उसका ऑर्डर कर्मचारी मानते हैं। उतना सर्वशक्तियां सदा ऑर्डर में रहेंगे। थोड़ा भी स्मृति की सीट से नीचे आते हैं तो शक्तियां ऑर्डर नहीं मानेंगे। सर्वेंट भी होते हैं ना, तो कोई ओबीडियंट होते हैं, कोई थोड़ा ऊपर नीचे करने वाले भी होते हैं। तो जो ज़्यादा ऊपर नीचे होता है उसके लिए फिर अथॉरिटी से बोलना पड़ता है। तो ऐसे ही अपनी सर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट की अथॉरिटी में रहो। तो आपके आगे सर्वशक्तियां कैसे हैं? ओबीडियंट हैं या थोड़ी देर के बाद पहुंचती हैं? जैसे इन स्थूल कर्मेंद्रियों को जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो उस समय वो ऑर्डर से चलती है ना। ऐसा तो नहीं कहते हो पैर को कह रहा हूँ लेफ्ट चलो राइट चल रहा है,
नहीं, स्थूल कर्मेंद्रियां ऑर्डर से चलती है ना, कोई थोड़ा, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ये सूक्ष्म शक्तियां भी आपके ऑर्डर पर चलने वाली हों। चेक करो कि सारे दिन में सर्वशक्तियां ऑर्डर में रहीं, क्योंकि जब ये सर्वशक्तियां अभी से आपके ऑर्डर पर होंगी, तभी अंत में भी आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास चाहिए अंत घड़ी में सफलता के लिए। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तो इस नए वर्ष में ऑर्डर पर चलाने का विशेष अभ्यास करना, क्योंकि विश्व का राज्य प्राप्त करना है ना, तो जिसको फाइनल मैच खेलना है उसको प्रैक्टिस में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। विश्व राज अधिकारी बनने से पहले स्वराज अधिकारी बनो, है ना। निश्चय और नशा हर एक बच्चे को उड़ती कला का अनुभव करा रहा है ना, निश्चय और नशे से उड़ रहे हैं। डबल फॉरनर्स लकी हैं जो उड़ती कला के टाइम पर आ गए, चढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ी, है ना, क्योंकि विदेश सेवा तो हुई ही 70 के दशक के बाद, तो नेचुरल है कि जो मेहनत की, यज्ञ की स्थापना की मेहनत थी वो तो हो चुकी थी, है ना, पहले ही भारत में उस स्थापना का कार्य हो गया था। तो बाबा कहते उड़ती कला के समय पर आए हो। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है, यही विजय का तिलक औरों को खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है, तो आपके हर्षित चेहरे को देखकर सब खुशी के पीछे आकर्षित होते हैं, क्योंकि दुनिया की आत्माएं खुशी को ढूंढ रही हैं, और आपके चेहरों पर जब खुशी की झलक देखते हैं तो खुद भी खुश होते हैं, वो समझते हैं इनों को कुछ प्राप्ति हुई है। आगे चलकर आपके चेहरे खुशी के आकर्षण से और नज़दीक लाएंगे। किसी को सुनने का समय नहीं भी होगा तो सेकंड में आपका चेहरा उन आत्माओं की सेवा करेगा, है ना, वो चेहरा नहीं भूल सकेंगे, ऐसा खुशी वाला चेहरा कभी नहीं देखा होगा। आप सभी भी प्यार और खुशी को देखकर ब्राह्मण बने ना, तो तपस्या वर्ष में ऐसी सेवा करना। चौथी पॉइंट, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति में सदा स्थित रहने वाली सहयोगी आत्मा हो। देखो, योगी सो सहयोगी, अगर हम कहते एक बाप दूसरा ना कोई, तो फिर तो मेरा जीवन विश्व कल्याण अर्थ होना चाहिए, और अगर ये निशानी नहीं दिखती कि ये सर्व सहयोगी आत्मा है, तो एक बाप के सिवाय और भी कोई दिल में है, ये निश्चित है। एक को याद करना सहज है, अनेकों को याद करना मुश्किल होता है। अनेक विस्तार को छोड़ सार स्वरूप एक बाप, इस अनुभव में कितनी खुशी होती है। एक का बनकर तो देखो कितनी खुशी है, अनेकों के चक्कर में इतना भटक रहे हैं, है ना। खुशी जन्म सिद्ध अधिकार है, बाप का बने तो जीवन ही खुशी की बन जाती है। बाप का खजाना है खुशी, तो बाप का खजाना बच्चों के लिए जन्म सिद्ध अधिकार होता है। जो बाप का है वो तो बच्चे का पैदा होते ही हो जाता है ना। अपना खजाना है तो अपने पर नाज होता है कि अपना है, और मिला भी किससे, अविनाशी बाप से, तो खुशी के लिए डर भी नहीं लगेगा कि कभी गुम हो जाए, क्योंकि मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, तो कभी खोने का भी डर नहीं है। तो अविनाशी बाप जो देगा अविनाशी देगा, अविनाशी खजाने का नशा भी अविनाशी होगा। ये नशा कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि ये नुकसान वाला नशा नहीं है, ये प्राप्ति कराने वाला नशा है। वो प्राप्तियां गवाने वाला नशा होता है जो दुनिया में करते हैं, है ना। तो सदा क्या याद रहता है, एक बाप दूसरा ना कोई। एक बाप दूसरा ना कोई मतलब योगी सहयोगी और मौजों की जीवन, खुशी की जीवन,
बाप से सर्व अधिकार प्राप्त कर कर अधिकार स्वरूप की जीवन। बाबा कहते दूसरा तीसरा आया तो किटकिट होगी, और एक बाप है तो एक रस स्थिति होगी। एक के रस में लवलीन रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही है एक रस, है ना। तो ओरिजिनलिटी में सुख है ना। एक बाप के ही हैं हम ओरिजिनल, तो इसलिए इस अवस्था में सुख का अनुभव होता है। अब विदाई के समय नए वर्ष की शुभारंभ की बधाई दे रहे हैं बाबा। चारों ओर के लवली और लकी सभी बच्चों को विशेष नई उमंग नए उत्साह की हर घड़ी की मुबारक। स्वयं भी डायमंड हो और जीवन भी डायमंड है, और डायमंड मॉर्निंग, डायमंड इवनिंग, डायमंड नाइट सदा रहे। इसी विधि से बहुत जल्दी अपना राज्य स्थापन करेंगे और राज्य करेंगे। अपना राज्य प्यारा लगता है ना, तो अभी जल्दी जल्दी लाओ और राज्य करो, हाँ जल्दी जल्दी राज्य ले आओ। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना, तो अभी फरिश्ता बनो और देवता बनो। चारों ओर के बच्चों को विशेष पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो, विदेश वाले चाहे देश वाले। तपस्या के उमंग उत्साह में अच्छे हैं, और जहाँ तपस्या है वहाँ सेवा है ही है। सदा सफलता की मुबारक हो। हर एक ऐसी नवीनता दिखाना जो सारा विश्व आपकी ओर देखे, है ना। कोई नई चीज़ होती है तो उसकी तरफ सबकी नज़र जाती है। नवीनता के लाइट हाउस बनना, हर एक अपने लिए याद प्यार और मुबारक स्वीकार करे। अच्छा, चारों ओर के सर्व मास्टर दाता आत्माओं को सदा बाप द्वारा मुबारक प्राप्त करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा मौज में रहने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वयं में नवीनता लाने वाली महान आत्माओं को, फरिश्ता सो देवात्मा बनने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार हर हर घड़ी की मुबारक और नमस्ते। ऐसा मीठा बनाने वाले बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ता भव। जो हल्का होता है ना, वो डांस अच्छी कर लेता है। तो बाबा कहते खुशी की डांस करनी है ना तो हल्का बनो, और हल्केपन का कनेक्शन भोजन से होता है। तो शुद्ध संकल्प का भोजन आत्मा को हल्का बनाता है और खुशी की डांस कराता है, और व्यर्थ संकल्प का भोजन उसे भारी बनाता है। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए रोज की मुरली ही शुद्ध संकल्प है, इसीलिए मुरली की बातें बुद्धि में घूमती रहे। कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा रोज सवेरे सवेरे मिलते, एक दो नहीं पूरे 3 पेज के शुद्ध संकल्प। इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को बिजी रखो और सदा बाप के संग में रहो, तो हल्के बन खुशी में डांस करते रहेंगे। खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्के हैं और व्यर्थ संकल्प भारी हैं, इसलिए सदा शुद्ध संकल्पों में बिजी रहकर हल्के बनो, तो खुशी की डांस करते रहो, तब कहेंगे अलौकिक फरिश्ते। स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। हमें बाबा मिला, प्रूफ क्या है कि हमारी जीवन सहज योगी बन जाए। योगी जीवन हो लेकिन बहुत ईजी, क्योंकि मोहब्बत से योगी है। ओम शांति।